सिवनी को हत्याकांड में नागपुर से गिरफ्तार 6 आरोपियों सहित गौ हत्या के 11 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 54 गायों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब तक इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहन सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि बाहर शराब पीने वाले अपने पतियों से कहें कि शराब घर पर लाकर पिएं। मंत्री जी यही नहीं रुके, मंत्री जी ने महिलाओं को शराबी पतियों को खाना ना देने और उन्हें बेलन से डराने की बात भी कही। इंदौर में 30 लोगों ने धर्मांतरण कर हिंदू धर्म अपनाया, जिसका आयोजन खजराना गणेश मंदिर में हुआ। इसके लिए विधि विधान से खजराना गणेश मंदिर में पूजा पाठ और हवन किया गया। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। इंदौर के महू में पुलिस प्रशासन की टीम सड़क में बाधा बन रहे मकानों का अवैध निर्माण तोड़ रही थी। 100 से अधिक मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। इस दौरान रहवासियों और अफसरों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने महिला पार्षद डॉक्टर सुवर्णा दुबे को हिरासत में ले लिया है। क्या लोकायुक्त की कार्रवाई से बचने के लिए कमलेश शाह ने थामा बीजेपी का दामन? ऐसा हमारा नहीं बल्कि जीतू पटवारी का कहना है। जीतू पटवारी ने कमलेश शाह के बीजेपी में जाने की वजह बताते हुए कहा, उन्होंने सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट दी थी और उन पर लोकायुक्त की जांच बैठ गई थी, इससे बचने के लिए बीजेपी में चले गए। ब्यावरा जनपद की 9 पंचायतों में काम स्वीकृति के एवज में 20% रिश्वत लेने के आरोप लगाकर विरोध में सभी सरपंच बीते 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में ब्यावरा पहुंचे मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कलेक्टर हर्ष दीक्षित से पंचायत सीईओ को निलंबित करने को कहा है, वरना आंदोलन करने की धमकी दी है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने अपने हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा नीति लागू कर दी है। अब इन संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। यही नहीं, संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन हर साल उनके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनकी सेवाएं इस मूल्यांकन पर निर्भर करेंगी। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 4 प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक्शन लेते हुए स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही स्कूलों में बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग के नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल एक सत्र में 10% ही फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन भोपाल के 4 स्कूलों ने करीब 14% तक फीस बढ़ाकर छात्रों के अभिभावकों से वसूल की थी। देवास के जिला अस्पताल में लापरवाही की सारे हदें पार कर दी गई। यहां एक महिला के प्रसव के बाद उसके पेट के अंदर कपड़ा छोड़ दिया गया। गुस्साए परिजन कपड़े का टुकड़ा लेकर अस्पताल पहुंच गए और हड़कंप मच गया। अब परिजन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। खंडवा जिले में स्थित श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले भुगतान में लगातार समस्या हो रही है, जिसके चलते कई इंटर्न प्रशिक्षण छोड़कर जा चुके हैं। इंटर्न को रहने खाने की व्यवस्था भी अपने घर से करना पड़ रहा है। इस योजना में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। चुनावी चकाचौंध में बिना सोच विचार के शुरू की गई इस योजना के अब दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं।